देखो जनरली जब भी हम कोई एयर टिकट परचेस करते हैं तो वहाँ पे उसकी प्राइस जो है काफी ज्यादा कॉस्टली होती है। अब हमें एयर टिकट से जाना भी है, हमें डिस्काउंट भी लेना है, तो क्यों ना एक ऐसा ट्रिक यूज करा जाए जहाँ पे जितने भी बड़े साइट हैं वहाँ पे आपको जो है अप टू 30% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और ये काफी बड़ी बात हो जाती है। कई सारे साइट आप यूज करते होंगे, जैसे कि भाई अपना मेक माई ट्रिप हो गया, इजी माई ट्रिप हो गया, गो आई बीबो हो गया, तो उधर से कैसे आपको टिकट परचेस करना है या फिर किस साइट से लेना है जहाँ पे आपको सस्ते से सस्ता टिकट पड़े, तो बन रही है इस वीडियो में। वीडियो छोड़कर वीडियो को एक बड़ा सा लाइक करना है क्योंकि आपका फायदा होने वाला, तो फटाफट लाइक करो और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब एयर टिकट बुक करने से पहले या फिर डिस्काउंट लेने से पहले हम ये जान लेते हैं जितने भी मार्केट में बड़े प्लेयर हैं जो कि आपको ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं टिकट वाली, तो वहाँ पे आपने ये देखा होगा कि वहाँ पे टिकट प्राइस जनरली इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि कई सारे वहाँ पे सर्विस चार्ज जोड़ दिए जाते हैं। अब ऐसा नहीं है जो मार्केट में कोई नया प्लेयर आया है जो आपको 30% डिस्काउंट दे रहा है तो वो ये सर्विस चार्ज नहीं जोड़ता, वो भी है, लेकिन यही है कि मार्केट में स्टेबल रहने के लिए वो 2 रुपए कम ही लेता है, जिसकी वजह से आपका टिकट प्राइस जो काफी हद तक कम हो जाता है, जिसमें कई सारे सर्विस चार्ज होते हैं, जैसे सिक्योरिटी का चार्ज होता है, सर्विस चार्ज हो गया, कन्वेंशन फीस हो गया, SGST, CGST, ये सारे चार्ज जुड़ते हैं। अब ऐसा नहीं कि इसमें 10 रुपये, 5 रुपये, ऐसा नहीं है। कहीं पे आपको 50 रुपये देखने को मिलेगा चार्ज, कहीं पे 100 रुपये, कहीं पे 150, तो कहीं पे 250, तो जिसकी वजह से टिकट प्राइस बढ़ जाता है। लेकिन आपको जो है कई सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहाँ पे आपको ऑफर, कैशबैक देखने को मिल जाता है, प्रोमो कोड देखने को मिल जाता है, जिसका अप्लाई करके आप 2, 4, 5, 7% तो डिस्काउंट वैसे ही ले सकते हैं। लेकिन जो मैं यह तरीका बताने वाला हूँ वहाँ पे आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा, ये मैक्सिमम 30% हो जाएगा, और मिनिमम की बात करूँ तो यहाँ पे 10, 12, 15% तो कहीं नहीं गए। तो टिकट बुक करने के लिए आपको सिंपली करना क्या है, एक साइट का नाम बताऊंगा, उससे पहले छोटा सा एक कंपैरिजन देख लेते हैं कि जो पॉपुलर साइट है वहां पे टिकट प्राइस अभी चल क्या रही है। जैसे कि मैं बात करूं इजी माई ट्रिप की, दिल्ली से मुंबई की अगर हम कोई फ्लाइट लेते हैं तो यहाँ पे मेरे को जो जनरली प्राइस रफली बताऊं तो 5,500 के आसपास जो प्राइस देखने को मिला। सेम यही चीज अगर मैं मेक माई ट्रिप पे कंपैरिजन करता हूं तो यहां पे भी आसपास सेम ही रहने वाला है। और गोवा वीवो की बात करें तो यहां पे भी मैंने चेकआउट करा, सेम फ्लाइट सेम टाइमिंग, तो यहां पे भी बिल्कुल सेम रहने वाला है। लेकिन जिस साइट की मैं बात करूं उस साइट का नाम है स्काई स्कैनर। अब यहाँ पर आना, यहाँ पे क्या होता है कि जो आप टिकट प्राइस सर्च कर रहे हैं जहाँ से जिस स्टेट से जिस दूसरे स्टेट में जाना है वो सेम से सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जितनी साइटें ऐसी हैं जो कि आपको एयर टिकट की सर्विस प्रोवाइड करती है, सारी की सारी साइटें यहाँ पे आ जाएगी। बेसिकली ये करता है क्या, साइट कंपेरिजन करता है और जो भी जहाँ पे सबसे चीपेस्ट प्राइस है वो आपको यहाँ पे शो आउट कर देगा। तो इस साइट की मदद से अगर आप यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको 10%, 20% अप टू 30% तक का यहाँ पे डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो इधर से आप फ्लाइट टिकट कीजिए, बुक कीजिए। ये वीडियो कैसी लगी, अगर इन्फॉर्मेटिव लगी, अगर आपके काम आई, हेल्पफुल रही, तो वीडियो को एक बड़ा सा लाइक कीजिएगा, छोटा सा चैनल का सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दीजिएगा। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।